अयोध्या जिले के लगभग 1000 दिव्यांग व 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता घर पर बैठकर मतदान कर सकेंगे। भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर अयोध्या जिला प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है। यह मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से करवाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि जनपद के 5 विधानसभाओं के लगभग 1000 दिव्यांग 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं ने अपना सहमति पत्र दिया है। 17 फरवरी से बीएलओ के माध्यम से सभी दिव्यांग व 80 वर्ष के बुजुर्ग मतदाताओं का पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान से पूर्व सभी प्रत्याशियों को इसकी सूचना दी जाएगी। देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग की जो मंशा थी उसमें 80 उम्र से अधिक के मतदाता या दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था। इस पे नियम था कि हमने सभी बीएलओस के माध्यम से हमने सभी मतदाताओं को एक सहमति पत्र प्रारूप 12 होता है वो भिजवाया गया था, और उसमें जिन मतदाताओं ने अपनी सहमति अपने घर बैठे वोट देने की गई उनकी सहमति प्राप्त की गई। वो सहमतियाँ इस जनपद में कुल लगभग 1000 के आसपास हैं, और ये सहमतियाँ 5 फरवरी से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए थी। वो सारी सहमतियाँ हमें प्राप्त हो चुकी हैं, हम उनकी सूची बनवा रहे हैं, और जैसा आयोग का निर्देश है कि इसके लिए एक नई टीम गठित होगी जो जिसमें एक हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, एक प्रथम मतदान अधिकारी होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, एक वीडियोग्राफर होगा, 2 सिपाही होंगे। ये टीम 17 तारीख से जो ये हमारे 1000 मतदाता हैं इनको पहले से इन्फॉर्म कराने के बाद इनके घर पर गोपनीय वोट डलवाया जाएगा। इन मतदाताओं की सूची संभई विधानसभा के प्रत्याशियों को भी दी जाएगी, और जिस दिन ये मतदान सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने बूथों पे कराएंगे इन मतदाताओं का, उसका रूट चार्ट और डेट भी हमें प्रत्याशियों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी अपना जो एजेंट होते हैं, बीएलए होते हैं, वो उनको उनके घरों पे लगा सकें।